यहीं पर आकर वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे स्टूडेंट्स के बेस्ट आइडिया सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन पे पैसा लगाना है कि नहीं। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। शायद सीड फंडिंग मिल गई। हे गाइस, लिसन एवरीवन, कॉफी इज ऑन मी। थैंक यू सर। इसने शायद सीरीज ए क्रैक किया। ये क्या है सीरीज ए? सीड फंडिंग क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान ले तेरे पास जमीन है और तुझे खेती करनी है, सबसे पहले तुझे क्या लगेगा? खेती करने के लिए सबसे पहले लगेंगे बीज। हाँ, तो ये बीज खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, वो सीड फंडिंग से आते हैं। सिंपल। हाँ, पर सिर्फ बीज खरीद के तो पूरा खेत नहीं उगा सकता ना। सबसे पहले तुझे एक आध बीज बोना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बीज काम का है कि नहीं, बीज में से पौधा आ भी रहा है कि नहीं। अगर तेरा ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो तू मार्केट में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन फिर तुझे लगेगा मजदूर, पानी, खाद वगैरह वगैरह, और इस सब का पैसा आता है सीरीज ए फंडिंग से। तो सीरीज बी कब मिलती है? जब तूने अच्छी खासी खेती कर ली हो, मतलब जब तुझे लगे तेरा बिजनेस बड़ा होते जा रहा है और अच्छे पैसे बना रहा है तब। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद आती है सीरीज सी। अब जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे, उसके साथ साथ फ्रूट्स भी बड़े होते जाएंगे, उनको स्टोर करने के लिए लगेंगे वेयर हाउसेस, और तब बिजनेस एक्सपैंड करने का टाइम आ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, फिर क्या पता पब्लिक ऑफरिंग का भी चांस मिल जाए। फिर फ्रूट्स बेच के तू पैसे कमाने लगेगा और धीरे धीरे तेरी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, और जब तेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी 1 बिलियन तब वो कहलाएगी यूनिकॉर्न।